सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकॉन और पाए मुंबई, नवी मुंबई एवं बॉलीवुड की ताजा तरीन खबरें। कोरोना सुरू झाला त्याला MMRDC परिसरामध्ये राज्य शासनाने 1200 कोटी रुपयाचं कोरोनाच्या विरुद्ध लढण्याकरता एक रक्कम त्या ठिकाणी जाहीर केली होती। मी असा प्रश्न विचारला तर त्याच्यातला किती भाग नवी मुंबई महापालिकेला मिळालेला आहे, माहिती मिळाली 10 कोटी 40 लाख रुपये। 10 कोटी 40 लाख रुपये म्हणजे 1% सुद्धा नाही। 1200 पैकी जर 10 कोटी 40 लाख होणार असेल तर 1% सुद्धा कधी मी 1% सुद्धा 10 पॉइंट कमी पडते। मग ही अशी विषमता का? जब नवी मुंबई में कोरोना ने अपने पैर पसारने शुरू किए तब पहले दिन से ही विधायक गणेश नाइक नवी मुंबई को कोरोना मुक्त करने की जद्दोजहद में जुट गए। उन्होंने लगातार राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार से पत्र व्यवहार कर नवी मुंबई करों के हित का जतन किया। फिर चाहे वो टेस्टिंग की संख्या बढ़ाना हो, सिडको एग्जीबिशन सेंटर का रूपांतर कोविड अस्पताल में करना हो या फिर वेंटिलेटर, PPE किट, दवाइयां आदि के लिए विधायक निधि उपलब्ध करवाना हो, मगर वो समय ऐसा था जब लगातार मरीजों की संख्या का आलेख बढ़ता जा रहा था एवं मरीजों को सुविधा देने के लिए पालिका को निधि की आवश्यकता थी। तब राज्य सरकार द्वारा MMR क्षेत्र में कोरोना नियंत्रण उपाय के लिए 1200 करोड़ रुपयों के निधि की घोषणा की गई थी। आयुक्त के साथ हुए बैठक में विधायक गणेश नाइक ने पालिका आयुक्त अभिजीत बांगर से लगातार ये मांग की थी कि 1200 करोड़ रुपयों में से नवी मुंबई को कितना निधि प्राप्त हुआ है इसकी जानकारी उपलब्ध करवाई जाए। इस सप्ताह पालिका आयुक्त के साथ संपन्न हुए बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए विधायक गणेश नाइक ने इस बात का खुलासा किया कि MMR क्षेत्र के लिए जिन 1200 करोड़ रुपयों की घोषणा की गई थी उसमें से केवल 10 करोड़ 40 लाख रुपए नवी मुंबई मनपा को दिए गए हैं, जो घोषित रकम के 1% भी नहीं है। इस पर उन्होंने ऐसा आरोप लगाया कि नवी मुंबई के साथ राज्य सरकार ने पक्षपात किया है। कोरोना शुरू झाला त्याला MMRDC परिसरामध्ये राज्य शासनाने 1200 कोटी रुपयाचं कोरोनाच्या विरुद्ध लढण्याकरता एक रक्कम त्या ठिकाणी जाहीर केली होती। मी असा प्रश्न विचारला तर त्याच्यातला किती भाग नवी मुंबई महापालिकेला मिळालेला आहे, माहिती मिळाली 10 कोटी 40 लाख रुपये। 10 कोटी 40 लाख रुपये म्हणजे 1% सुद्धा नाही। 1200 पैकी जर 10 कोटी 40 लाख होणार असेल तर 1% सुद्धा कधी मी 1% सुद्धा 10 पॉइंट कमी पडते। मग ही अशी विषमता का? आगे उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने ये भी मांग की है कि MMR क्षेत्र के अन्य मनपा एवं नगर पालिका को कितना निधि मुहैया कराया गया है इसकी जानकारी भी वे उपलब्ध करवाए। मागणी के लिए कुठल्या परिसराला दिली गेली त्याची माहिती आम्हाला मिळाली पाहिजे। नवी महापालिकेला 10 कोटी 40 लाख का? ब्युरो रिपोर्ट, NMTV न्यूज।